हे गाइस, आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी फेशियल हेयर्स को कैसे रिमूव करते हैं। जी हाँ, कुछ लोग ना फेशियल हेयर्स को रिमूव करने से बहुत ज्यादा डरते हैं। उनको लगता है मोटे मोटे से बाल आते हैं, बहुत ही सख्त बाल आते हैं, या फिर बहुत सारे फेस पे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे कि रेजर बम्स निकल आते हैं, रैसेस निकल आते हैं। सो आई नो ये सब होता है, बट ये अगर आप गलत तरीके से फेशियल हेयर को रिमूव करते हो, फेस रेजर को यूज़ करते हो तो होता है। जी हाँ, वरना मैं तो हमेशा ही करती हूँ, हर वीक करना पड़ता है या फिर 2-3 दिन के गैप में भी करती हूँ। मुझे कोई स्किन पे प्रॉब्लम ही नहीं होता है, एंड देख सकते हो मेरे कितने सारे बाल आ गए हैं। तो मैं आप लोगों को फेशियल हेयर रिमूव यूज़ करने का असली तरीका बताऊंगी। जी हाँ, कुछ टिप्स जो कि आप लोग अगर फॉलो करके करते हो, आपको ये सारे प्रॉब्लम्स कभी होंगे ही नहीं, एंड आप भी प्रो हो जाओगे फेशियल हेयर रिमूव करने से, क्योंकि थ्रेडिंग करने से ना बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो चलो देखते हैं कि इसको कैसे रिमूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सूखे फेस पे आपको कभी फेशियल हेयर रिमूव नहीं करने हैं, एंड देन उससे पहले आपको करना है फेस वॉश। जी हाँ, आप कोई सा भी माइल्ड फेस वॉश यूज़ करो, ठीक है, जो आप यूज़ करते हो डेली बेसिस पे। जी हाँ, डेली यूजेस पे आप जो फेशियल फेस वॉश यूज़ करते हो उसी से आप फेस वॉश करो, एंड अच्छे से कुछ देर तक टाइम लगेगा ताकि ना आपके जो फेस के हेयर्स है वो थोड़े से नरम हो जाए। जी हाँ, अगर आप गीले रखते हो तो देखते हो ना बाल नरम हो जाते हैं, तो अच्छे से फेस वॉश करना है। एंड देन उसके बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जी हाँ, स्क्रबिंग करना। स्क्रबिंग करने से ना जितने भी गंदगी है या फिर बाल पसीनों से या फिर गंदगी से चिपके हुए रहते हैं बाल हमारे फेस पे, हमारे फेस के हेयर्स, वो ना अच्छे से ओपन अप हो जाते हैं, पोर्स ओपन अप होता है, जिसके वजह से आप जब फेशियल हेयर्स को रिमूव करते हो ना, तो पोर्स ओपन अप होने के वजह से जब हम स्क्रबिंग करते हैं तो जितने भी डेड स्किन की लेयर हैं, ब्लैक हेड, वाइट हेड, सब रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्टीमिंग। जी हाँ, अगर आप स्टीमिंग करते हो ना, तो जैसे कि मैंने कहा कि ओपन अप हो जाते हैं हमारे पोर्स स्क्रबिंग करने से, स्टीमिंग करने से। यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को दिखे कि इसमें से धुआं निकल रहा है, इतना ज़्यादा ये गर्म है। एंड जब भी स्टीमिंग करो ना, अच्छे से अपने फेस को कवर कर लो। मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ तो कवर करने से आप लोगों को दिखेगा ही नहीं कुछ, इसीलिए मैं ऐसे ही कर रही हूँ, बट मैंने ऑफ कैमरा भी कवर करके भी किया था। तो यहाँ पे अच्छे से स्टीमिंग करना ताकि आपके पोर्स जो है ना वो ओपन अप हो जाए, एंड हमारे जो फेस है ना वो नरम हो जाए। जी हाँ, हमारे जो हेयर्स है फेस पे के वो थोड़े से नरम हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने स्टीमिंग कर ली है, अब हमारा फेस बिल्कुल रेडी है फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले चाहिए क्लीन टिश्यू पेपर, एंड देन एलोवेरा जेल, एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को ख्याल में रखना है, वो है अच्छा रेजर। जी हाँ, यहाँ पे मैं चार्मसी का रेजर यूज़ करती हूँ, मैं यही यूज़ करती हूँ हमेशा, क्योंकि इसका रेजर इतना ज़्यादा अच्छा है, कोई कट नहीं लगता है, एंड कोई रेजर बम्प्स नहीं होते, एंड इस तरीके से अगर आप करते हो तो कोई रेजर बम्प्स कभी होंगे ही नहीं। जी हाँ, कभी भी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में मत करो। जी हाँ, और ऐसा ही रेजर लो जिसका जो ब्लेड है वो जिग-जैग पैटर्न में हो। जी हाँ, एंड बहुत ही अच्छे से थोड़े से दूर के डायरेक्शन में पकड़ के उसको अच्छे से आपको धीरे धीरे से फेशियल हेयर्स को रिमूव करना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद पहले स्क्रबिंग ज़रूर करो, क्योंकि 2 दिन तक स्क्रबिंग नहीं करना है फेशियल हेयर्स रिमूव करने के बाद, और ये गलतियाँ हमेशा हर कोई करता है। 2-3 दिन तक अगर आप स्क्रबिंग करोगे 2-3 दिन बाद, 1-2 दिन बाद ही, तो आपके ना रेजर बम्प्स या फिर दाने निकल आते हैं फेस पे। जी हाँ, तो 2-3 दिन तक तो आपको नहीं करना है, वरना रैशेस का प्रॉब्लम होगा ही। तो इसीलिए जब फेशियल हेयर्स को रिमूव करना है उससे पहले आप स्क्रबिंग कर लो, एंड 2-3 दिन तक मत करो। जी हाँ, वरना आपके जो फेस पे है वो दाने निकल आएंगे ही। देख सकते हो हाफ साइड मैंने कर लिया है फेशियल हेयर्स को रिमूव, एंड देख सकते हो कितना ज़्यादा फर्क आ जाता है चेहरे पे। एंड ऐसे करने से ना डेड स्किन भी निकलती है, टैनिंग भी रिमूव होता है, एंड देख सकते हो इतना जल्दी बल नहीं करती हूँ, ये फास्ट के स्पीड पे क्लिप चल रहा है। और मैं पीच फस के बाल बहुत ज़्यादा रिमूव नहीं करती हूँ, बट थोड़ा थोड़ा सा शेप दे देती हूँ, आप चाहो तो पूरा रिमूव कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे पूरे फेस की अच्छे से मैंने शेविंग कर ली है, तो इसको वॉश कर लेते हैं, एंड लुक एट माई स्किन, सुपर सॉफ्ट। जी हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा था, एंड आप लोग देख सकते हो फेस पे ग्लो भी आ गया है बिफोर एंड आफ्टर पर। आप लोग देख लो, पहले का वीडियो क्लिप देख लो, पहले शुरू में आप लोगों ने जो देखा, एंड अभी देखो,
एंड कितना भी गर्मी हो, चिपचिपापन लगे, बट आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। जी हाँ, अपने स्किन अकॉर्डिंग के हिसाब से। जी हाँ, मैं यहाँ पे जेल वेस्ट मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ जो कि बहुत ही वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है, बट आपको कोई सा भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करना, अगर कुछ नहीं है तो एलोवेरा जेल ही अप्लाई कर लो, ऐसे मत छोड़ो सूखा सूखा, वरना आपको बहुत ही स्किन खींची खींची सी लगेगी एंड बहुत ही ज़्यादा ड्राई होने की वजह से भी हमारे जो रेजर बम्प से निकल आते हैं अगर तुरंत ड्राई हो तो। सो आई होप ये सारे टिप्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे होंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।